नमस्कार, मैं हूं मनी ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने 3 सितंबर को थाना गंगानगर क्षेत्र में रजपुरा निवासी विनीत की गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में एसएसपी कार्यालय का किया घेराव और कहा कि अपराधी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। गंगानगर थाना उन्हें पकड़ने में नाकाम रहा है। उन्होंने एसएसपी को ज्ञापन देकर गंगानगर एसओ को तत्काल हटाने एवं विनीत हत्याकांड के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। इसी दौरान एसपी क्राइम ने भीड़ को शांत कर आश्वासन दिया कि खुलासा जल्द ही किया जाएगा। ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल मेरठ से विजय वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, हमारे गांव रजपुरा में 3 तारीख को एक लड़का था, विनीत हमारा भाई था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो गंगानगर थाने का केस है। और आज 23 तारीख हो गई, 20 दिन हो गए हैं और जांच के नाम पे सिर्फ इंस्पेक्टर से जब भी बात की जाती है कह देते हैं जांच चल रही है, बिल्कुल सी पर है, अभी तक प्रोग्रेस कोई नहीं है। तो हम इसी मांग को लेकर आज सब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और रजपुरा के ग्रामीण आए हैं सब लोग, हम के एसएसपी साहब को अवगत कराने कि इसमें प्रोग्रेस करी जाए, इसका जल्द से जल्द विनीत हत्याकांड का खुलासा हो, अन्यथा हम सब रजपुरा के ग्रामीण और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हम मवाना रोड जाम करके वहीं धरने पर बैठ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम विनीत हत्याकांड का खुलासा जल्द से जल्द चाहते हैं और सही खुलासा चाहते हैं। एसएसपी साहब ने क्या कहा? एसएसपी साहब नहीं थे, उनके एफजी में राम अर्जी थे, उन्होंने हमसे आश्वस्त किया है कि सभी टीमें इस पर लगी हुई हैं और जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा।